तो हे गाइस, मैं हूं के जेड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल के जेड प्रोडक्शन सरफेस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जैसे कि यूटीआई के अंदर यदि आप पेन कार्ड बनाते हैं यानी स्टील के अंदर कोई पेन कार्ड बनाते हैं तो एक सिमिलर सा एक प्रॉब्लम्स आता है जो आपको कहीं भी देखने को फेस करने को आपको मिल सकता है। तो चलिए उस प्रॉब्लम के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली तरीके से मैं उस प्रॉब्लम को दिखा रहा हूँ। जब भी आप यूटीआई के थ्रू पेन कार्ड बनाएंगे, ठीक है, तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि आप देखो इस तरीके का आपका जो एक मैसेज है जब भी आप पेन कार्ड बनाते हो, ठीक है, तो एक ऑब्जेक्शन मार्क जो है आपको दिखाई देने में मिलता है, आपको यूआईडी नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर द अनदर पेन नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एक्चुअल में जब कोई हम कोई पेन कार्ड अप्लाई करते हैं तो ये प्रॉब्लम आती क्यों है, ठीक है। सबसे पहले इसका कारण जान लेते हैं, ठीक है, उसके बाद इसका सोल्यूशन जानने की कोशिश करेंगे, इस प्रॉब्लम को फिक्स करने की कोशिश करेंगे। तो जो ये ऑब्जेक्शन मार्क्स है, बेसिकली जब हम कोई भी यूटीआई के अंदर कोई पेन कार्ड बनाते हैं, ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है वो तब की कंडीशन में आती है जब हम कोई हमारा जो पेन कार्ड जनरेट होने के बाद हमको एक बार और अप्लाई कर देते हैं पेन कार्ड के लिए, ठीक है। चाहे वो पेन कार्ड जब यदि हम एग्जांपल फॉर एग्जांपल बात कर लें, जब आपके पास कोई कस्टमर आता है, ठीक है, और यदि वो बोलता है कि यदि आप हमारा पेन कार्ड अप्लाई कर दें, ठीक है, और आप क्या होते हैं कि बिना जाने उस कस्टमर का जो है पेन कार्ड अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हो सकता है कि वो कस्टमर कहीं और पेन कार्ड बनाया हो, ठीक है, लेकिन किसी कारण के चलते उसका जो पेन कार्ड है उस तक ना पहुंच पाया हो, ठीक है। तो इसी चीज़ को हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई आप पेन कार्ड बनाते हैं, ठीक है, कोई भी कस्टमर आपके पास पेन कार्ड के लिए आता है तो सबसे पहले आप क्या करें, उसके आधार नंबर को आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है। आधार नंबर से आप क्या करें, मैंने एक वीडियोज़ बनाया हुआ है कि कैसे आप आधार नंबर डालकर चेक कर सकते हो कि इस आधार नंबर के साथ कोई पेन कार्ड लिंक है कि नहीं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो मेरे जो प्लेलिस्ट पेन कार्ड वाला जो प्लेलिस्ट है वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे आधार नंबर से आप पता कर सकते हो कि उस आधार नंबर के साथ कोई पेन कार्ड लिंक है कि नहीं। यदि वाकई में उस पर्सन ने यदि कोई पेन कार्ड नहीं बनाया है तो वहां पर एक मैसेज आएगा कि इसमें कोई भी पेन कार्ड इंक्लूड नहीं है, लिंक नहीं है, तो आप बेझिझक उसका जो उस आधार नंबर का पेन कार्ड अप्लाई कर दें, ठीक है। यदि वहाँ यदि कोई लिंक बताता है तो आप क्या करें कि उसका जो पेन कार्ड है उसको अप्लाई ना करें, ठीक है, क्योंकि आप अप्लाई भी करेंगे यदि जब आप ये भी जान लें कि आपके पेन कार्ड में यदि आपके उस आधार नंबर पर यदि कोई पेन कार्ड लिंक बता रहा है तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको उस कस्टमर का आधार नंबर फाइंड करने के बाद आपको सिंपली तरीके से कस्टमर केयर से बात करनी है, क्योंकि ऑलरेडी उसका पेन कार्ड बन चुका है, ठीक है। तो आप क्या करें, कस्टमर केयर से बात करें और उसका पेन नंबर फाइंड करें, पूछें, ठीक है, और क्या करें, पूछने के बाद आप उसको रीअप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, रीअप्लाई आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पेन कार्ड नंबर पता होना चाहिए। तो जो बेसिकली जो ये प्रॉब्लम्स आती है इसी के वजह से आती है कि एक बार उस पर्सन का पेन कार्ड जो है वो अप्लाई हो चुका है यूटीआई में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, और आप अगेन उसको अप्लाई करवा दिए हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि वो इस तरीके का एरर या फिर इस तरह का मैसेज पास करता है कि यूआईडी नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर द अनदर पेन नंबर। जो ये यूआईडी नंबर है, जो आपका आधार कार्ड नंबर है, वो किसी और पेन कार्ड के साथ लिंक है, ठीक है, आपका दोबारा पेन कार्ड नहीं बनेगा, दोबारा पेन कार्ड नंबर जनरेट नहीं होगा, आपको वही पेन कार्ड नंबर दिया जाएगा, लेकिन आप उसे कस्टमर केयर से बात करके उस पेन नंबर को लोगे, देन अप्लाई करोगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है, यदि आपने एक बार इसे अप्लाई कर दिया है, ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने अपना डिजिटल सेवा पोर्टल आप लॉगिन कर लें और यहाँ पर आप सर्च कर लें पेन करके, ठीक है, पेन करके जैसे सर्च करेंगे तो देखिए यूटीआई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसे आप ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आप सिंपली यहाँ पर जाएं, ठीक है, और आप क्या करें, यहाँ पर सिंपली तरीके से यहाँ पर जो डैशबोर्ड है उसके अंदर आप सेलेक्ट कर लें ईयर कि आपके इस ईयर में कितने पेन कार्ड्स बने हुए हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होती है एक्चुअल में, ठीक है। मेरे एक दो और पर्सन लोग के साथ ऐसा हुआ था, कस्टमर लोग के साथ, तो उनका एक आध दो का आ गया और एक का कुछ रीजन के कारण नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर अप्लाई करवाया था एक पर्सन का, एक लेडीज़ का, ठीक है। तो देखिए उसका भी ऑलरेडी एग्जिस्ट का जो प्रॉब्लम है वो अनदर पेन नंबर के साथ वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन यही है कि आप क्या करें कि इसे 1 मंथ तक यदि आपके ऐसा एरर आ चुका है, ऐसा ऑब्जेक्शन आ चुका है, ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम आ चुका है, तो आप सिंपली क्या करें कि 1 मंथ तक आप इस एप्लीकेशन को कुछ ना करें, 1 मंथ तक जो है आप इस एप्लीकेशन को कुछ ना करें। हो सकता है तो आप कस्टमर केयर में इस पर्सन की डिटेल्स जो भी है एप्लीकेशन नंबर के साथ इसकी पूरी डिटेल आप सिंपली तरीके से एक मेल कर दें, ठीक है,
और उसमें कुछ ऐसा टाइप करके लिख दे कि यहाँ पर जो इस पर्सन का जो ये प्रॉब्लम्स आ रही है, अब इस प्रॉब्लम को फिक्स करें। ठीक है, इसमें क्या है कि मैं 100% गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन इसमें ये चीज़ें हैं कि आपकी 30% जो चांसेस है कि आपका एप्लीकेशन रीजनरेट करके आ जाए। ठीक है, बाकी 70% क्या होता है कि ऐसे एप्लीकेशन में हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन फंस जाए। ठीक है, और इस यूटीआई में सबसे बड़ी खासियत बात यह है कि आप जब भी आप पैन कार्ड अप्लाई करोगे और इस तरीके का यदि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है तो यूटीआई आपको कोई भी पैसा रिफंड नहीं करती है। ठीक है, आपका एप्लीकेशन पड़ा रहेगा। ठीक है, तो इसका सलूशन यही है कि आप एक बार 1 मंथ तक करके देखें, क्योंकि मैंने 2 पर्सन का मैंने यूज़ किया है। ठीक है, 2 पर्सन का मैंने यूज़ करके देखा, यही प्रॉब्लम आया था और मैंने 1 मंथ तक छोड़ दिया। ठीक है, एप्लीकेशन रीजनरेट हुआ और उनका जो पैन कार्ड है वो ई पैन कार्ड बन के ईमेल आईडी पे आ गया। ठीक है, तो आप 1 मंथ तक कुछ ना करें, सिंपली तरीके से एक मेल कर दें। ठीक है, और इसमें कुछ भी छेड़छाड़ ना करें। ठीक है, लेकिन गारंटी इस बात की नहीं है कि 100% आपका पैन कार्ड आपको बन के ही आएगा, लेकिन 30% चांस इतना है कि आपका जो पैन कार्ड है वो ई पैन कार्ड आपको जनरेट करके ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया जाए। ठीक है, तो हमेशा याद रखें कि कभी भी आपके पास कोई कस्टमर आता है तो आप क्या करें कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स में आप हमेशा कस्टमर का जो पैन कार्ड है वो हमेशा उसके आधार कार्ड का जो नंबर है उससे आप फाइंड कर लें और पता कर लें कि इससे कोई और पैन कार्ड तो लिंक ना है। ठीक है, यदि नहीं है तो तभी ही आप पैन कार्ड अप्लाई करवाएं, अदरवाइज आपका जो यूटीआई में जो वैलिड है वहां से पैसा आपको फंस जाएगा, मतलब 99 रुपीज़ कट जाएगा, वो यूटीआई उसे रिफंड नहीं करती है। ठीक है, तो फिर मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।